हरिओम दोस्तों। और ये देखिए डॉली बेड पे बैठी है। आजकल इसका कोट शेड हो रहा है, आंखें खुली है, यहाँ पे छांव में आराम कर रही है दोनों। डॉलू से और ये देसी घी में चोपड़े हुए फुलके खा ले डॉली। डॉली ने तो खाया नहीं, अब चेरी आ गई है, चेरी खा रही है। और चेरी ने कर दिया फिनिश, अभी ये और खाएगी। इन्होंने पहले गद्दी चरवाओं से एक डॉग लाया था शेरू, जिसकी डेथ हो गई थी, फिर मैंने इनको ये दिया था। ये देखिए अभी एक साल का भी नहीं हुआ है। इन्होंने पहले रस्सी बांधी है फिर चेन, तो आराम से यहाँ पे घूम सकता है ये। मिक्स हिमालयन मैस्टिफ है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये फैमिली के लिए, जहाँ पे बच्चे भी होते हैं, ख़तरनाक तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं 4 महीने बाद इससे मिल रहा हूँ, देख लीजिए कितना फ्रेंडली है। शेरू ये तो नरम स्वभाव का है, लेकिन जो पुराना वाला शेरू था उसका टेम्परामेंट तो इतना ज़्यादा हाई था, मैं आज तक एक बार भी टच नहीं कर पाया हूँ उसको। ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये है पुराने वाले शेरू के। डॉली से, डॉलू, ओए चेरू से, चेरी बाय। आजकल घास डो रहे हैं, सनसेट भी हो गया है। इवानो हमारे गांव में शादी है, तो देख लीजिए लकड़ियां काट दी हैं खाना बनाने के लिए, तो हम डेली इधर से जाते थे, लेकिन आज घास ही घास है, तो अब ऊपर से निकलना पड़ेगा। देखते हैं ये आते हैं या नहीं। कम इवा, कम 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 कम, ओ ओ चलो चलो चलो, ओ चेहरी तो ओए तेरी, ओ चलो इवा, कम 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 कम, चलो 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 इवा चलो, चेहरी अटो। तो देखिए कैसी ये जगह थी, चलो। फिर से उड़ा दिया, ये देखिए अब देख रही है उसको ही। डॉली दोस्तों नीचे तक पहुंच गई, तो पहले वो मोर यहां से उड़ा होगा नीचे, फिर डॉली नीचे तक चली गई होगी, फिर नीचे से फिर से उड़ गया हो, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉग आप किसी भी ब्रीड का लो, उसको एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक ही जगह रह के। थोड़े से मैंने बैर निकाल दिए थे, अब थोड़े से आंवले भी ले लेता हूँ। आंवले भी ले लिए, अब एक अमरूद भी ले लेता हूँ, मैंने सुबह काफ़ी अमरूद खाए थे यहाँ पे। आंवले भी ले लिए, बैर भी, अमरूद भी, अब ये भी ले लेते हैं। इनको हमारी भाषा में करुंदू बोलते हैं, तो ये जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे कांटे भी लगे होते हैं, तो इन पत्तों को बकरियां खाती हैं। यहाँ पे देखिए खट्टे लगे हैं, इसमें गोप्रो की बैटरीज हैं, 3 डलती हैं एक साथ, और एक साथ तीनों चार्ज भी हो जाती हैं, जो केबल टाइप सी मेरे फ़ोन में लगती है वही इस पर भी लग जाती है, और जो नया आया है हीरो 10 ब्लैक, उसमें भी सेम ही बैटरीज डलती हैं। तो अगर मैंने अपग्रेड करना होगा तो बैटरी सेम ही डलेंगी। ईवा कब से उन दोनों को देख रही हैं, वो दोनों नीचे घूम रही हैं, लेकिन ईवा की हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की। लगभग 7 महीने पहले मैं यहाँ पर बैठ के फ्रूट खा रहा था, इन्होंने क्या किया कि चेरी ने मुँह में गो पकड़ दी, फुल्ली ग्रोन, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, तो फिर मैं देखने गया तो चेरी ने मुंह में पकड़ी थी और ऐसे ऐसे मतलब हिला रही थी। अगर मैं थोड़ा भी लेट पहुंचता तो
मार देती। फिर जब मैं पहुंचा तो चैरी ने छोड़ दी, वो पेड़ पे चढ़ गई। हर किसी डॉग के साथ ये लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन भोली भी सबसे ज़्यादा यही है। ईवा, कलर परसों मुरब्बा डाला था तो ये नमक बच गया था पिसा हुआ, तो मैं ले आया, अभी खा लेते हैं। और ये देखिए, इन दोनों से ज़्यादा भरोसा ये मेरे पे करती है, क्योंकि जब से मैं इसको लाया हूँ कांगड़ा में, मेरे साथ ही रहती थी ये। जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है। ओए बालू, डॉली मुंह में भर के लाई है कुछ लड्डू। डॉली पता नहीं लड्डू कहाँ से लाई है, इधर गई थी और देखिए खा रही है वहां पे। अब ये भी जा रही है। डॉली ने एक लड्डू खाया, फिर से दौड़ गई, क्या पता वहां पे और भी हो। पीछे पीछे ईवा भी चली गई। ये देखिए, ये है जंगली बैर, बहुत ही टेस्टी होते हैं नमक के साथ। और ये दोनों नीचे से आई। अब करते हैं आंवला ट्राई पीसे हुए नमक के साथ। दोस्तों मज़ा ही अलग है। डॉली कोट शेड कर रही है तो जगह जगह बाल घर के अंदर। और ईवा तो निकल गई जी, अब मेरी और चेरी की बारी है। तो पानी पीने के लिए भी इनके लिए देखिए बाल्टी लगी है। वहां पे रिंगड़ है, इसके पीछे डॉली पड़ी है, देखिए पकड़। ओ ईवा, नो। चेरी, ओ डॉलू, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रात को ईवा की और चेरी की, यहाँ पे है चेरी, लड़ाई हुई नीचे कमरे में। डॉली भी वहीं थी। डॉली को एक हबका सा लग गया, डॉली डर गई लड़ाई देख के, और फिर यहाँ से नीचे नहीं जा रही थी कल रात को। फिर यहाँ पे इस कमरे में मेरे साथ सोई, लड़ाई देख के बहुत डर गई थी। और अभी गांव में घूमने चली गई है कहीं पे, डेली चली जाती है कहीं ना कहीं घूमने। वो करीब एक घंटा हो गया उसको। आज है दिवाली, जो भी आपके पेट्स हैं पटाखों से इनको दूर रखें, क्योंकि इनको हमसे तेज सुनाई देता है और ये डर भी जाते हैं बेचारे। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हरिओम। Thank you.